14-day lube break. That's a world record. Welcome back. Variation of viscosity with temperature. Heading जो होगी, that is variation of viscosity with temperature. या इसे और बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. हेडिंग डालिएगा आर अथवा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. याद रखिएगा फ्लूइड की बात कर रहा है. फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी. फ्लूइड कभी भी लिक्विड नहीं होता है. हमेशा फ्लूइड की डिफिनेशन फंडामेंटल क्लास में बताई गई है कि फ्लूइड दोनों है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट विस्कोसिटी पे देखेंगे वो किस पे देखेंगे? लिक्विड पर अलग से देखेंगे, गैस पे देखेंगे, क्योंकि फ्लूइड का दोनों पार्ट है. तो इसलिए कंपटीशन कहां पूछेगा आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. जब फ्लूइड वर्ड यूज करें तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे कि लिक्विड के पक्ष में बात कर रहा है या गैस के पक्ष में, क्योंकि दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है आपका. ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी जो है क्यों होती है. तो जरा ध्यान से समझिए, आप राइट डाउन कम स्टॉप करिए, थोड़ा सा समझिए इस बेसिक फंडामेंटल को. आपके पास दो हैं, फ्लूइड है. फ्लूइड की जो बेसिक फंडामेंटल में है वो दोनों हो सकता है, दैट इज लिक्विड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है. डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स क्या है, लिक्विड की है या गैस की है. हम फ्लूइड की अभी फिर बात कर रहे हैं. फ्लूइड के अंदर जो विस्कोसिटी है आपकी, विस्कोसिटी होती है, ये मेनली दो चीजों पे डिपेंडेंट है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स का मतलब जो सब जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स यूज होता है काम करते हैं वो क्या बोलते हैं? कोहेसिव. जैसे लिक्विड लिक्विड के बीच में कोहेसिव, लिक्विड इन सेंस वाटर वाटर के बीच में क्या होगा? कोहेसिव. मरकरी के मालिक्यूल्स अपने बीच में, सेम नेचर के मालिक्यूल्स के बीच में जब भी काम करेगा कोहेसिव. लेकिन अगर दो डिफरेंट सॉलिड और लिक्विड के सबके बीच में एडहेसिव फोर्स, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एडहेसिव, लिक्विड के अपने के बीच में कोहेसिव, सॉलिड के अपने के बीच में कोहेसिव, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के बीच में एडहेसिव. जब दो डिफरेंट नेचर के फ्लूइड होते हैं, सरफेस होते हैं, उनके बीच एडहेसिव यूज होता है और सेम नेचर के बीच में क्या होता है? कोहेसिव यूज होता है. तो विस्कोसिटी कोई भी फ्लूइड होगा, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसमें एक तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है और दूसरा जो मेन रीजन है दैट इज मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस की वजह से होता है. डिस्टरबेंस और मोमेंटम भी बोल सकते हैं. मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस और मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से होता है, जो आपका जिगजैग घूमते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर, तीसरा तीसरे के ऊपर, ऐसे एक दो तीन चार पांच ऐसे जो मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, ये जो डिस्टरबेंस इसके अंदर है, इसकी वजह से भी विस्कोसिटी होती है. तो दो ही प्राइम रीजन है फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी के, दो ही रीजन है. एक इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स का मतलब जैसे ये लिक्विड है आपके पास, तो एक मॉलिक्यूल्स यहां एक मॉलिक्यूल्स यहां, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स. ऊपर वाला इसको खींचेगा कोहेसिव फोर्स, इधर वाला खींचेगा ऐसे. तो ये सभी कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? कोहेसिव फोर्स. एक तो ये एक रीजन है कोहेसिव फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के, और दूसरा एक मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है, डिस्टरबेंस होता है. अब डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस किस में है. जैसे गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ज्यादा होता है और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर मोमेंटम कम होता है. तो हमें विस्कोसिटी दोनों की वजह से मिलती है, लेकिन किसी में
एक फैक्टर डोमिनेट करता है, किसी में दूसरा फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। जैसे लिक्विड के अंदर यह फैक्टर डोमिनेट करता है, दिस इज डोमिनेंट फैक्टर, लिक्विड के अंदर डोमिनेट करता है, दैट इज डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। यानी अगर आपसे कहा जाए कि विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड की बात अब छोड़ करके हम सब डिवीजन में आए हैं, किसमें? लिक्विड में। विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर किस बात पे डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। मेनली किसकी वजह से होती है? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से ही आपका विस्कोसिटी होती है, इसका इफेक्ट कम होता है। लेकिन जब गैस की बात करेंगे आप, तो गैस में जस्ट अपोजिट है। गैस में मेनली किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस की वजह से होता है या मोमेंटम की वजह से होता है। अगर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ज्यादा है तो विस्कोसिटी गैस की ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वजह से होता है आपका। गैस के अंदर विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है? मेनली ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस और मोमेंटम। अभी मैं सब आपको राइट डाउन कराऊंगा, आपकी ओर सुनिए। मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस और मोमेंटम की वजह से आपको मिलता है। अब आपसे कहा जाए टेम्परेचर बढ़ाइए, सपोज आपके पास ये लिक्विड है, दो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होगा वो वीक होगा। क्या होगा? दोनों के बीच का कोहेसिव फोर्स वीक होगा। विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी वजह किसकी थी? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स की, इसी की वजह से विस्कोसिटी थी लिक्विड में। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस ये वजह कम हो रही है, यानी विस्कोसिटी विस्कस फोर्स आपका कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। अगर कोहेसिव फोर्स वीक होगा और इसी की वजह से लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी है, तो आपसे पूछा जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी लिक्विड की बढ़ेगी घटेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, उसकी वजह आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? कम होते हैं। अब आप अपोजिट पे आइए, गैस पे आइए। गैस पे क्या होता है, किसकी वजह से विस्कोसिटी होती है? मॉलिक्यूलर एजिटेशन डिस्टरबेंस और मोमेंटम की वजह से होता है, जो आपका रैंडम मोशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइए, कोई गैस है, आप मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इसके अंदर अगर आप हीट सप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? क्यू हीट दीजिए, ये मोमेंटम और तेज बढ़ेगा, इनका डिस्टरबेंस क्या करेगा? बहुत तेज होने लगेगा। क्योंकि विस्कोसिटी किसकी वजह से है? मेनली मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से। जब आपने हीट अप किया, टेंपरेचर बढ़ाया, ये मोमेंटम क्या हो गया? डिस्टरबेंस बहुत तेज हो गया। इसका मतलब है विस्कोसिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। विस्कोसिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई, क्योंकि ये वाला टेंपरेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या कर गया? बढ़ गया। इसका मतलब है फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में चूंकि दोनों आता है, तो फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होगी? तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। डिपेंड किस पे करता है? ये फ्लूइड है कौन सा, लिक्विड है या गैस? अगर लिक्विड है तो घटेगी, गैस है तो बढ़ेगी। क्योंकि लिक्विड में घटेगी क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करता है। और गैस में क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसमें विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? मेनली मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिस्टरबेंस बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दो बेसिक फंडामेंटल रीजन है। एक तो आपका जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसी फैक्टर को आप चेक करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमिनेंट फैक्टर लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स है, गैस के अंदर मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी लिक्विड की, और गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। जवाब पूछा जाएगा क्यों डिक्रीज करेगी? क्या जवाब देंगे? लिक्विड में डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स कमजोर पड़ेंगे, डिक्रीज करेंगे। और गैस के अंदर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम एंड डिस्टरबेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। तो दो मेन, एक तो ऑब्जेक्टिव यहां बनेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट से क्या होगा, गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, लिक्विड की कम होगी। क्यों होगी, इस पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपका रीजन पूछेगा आपसे। जवाब आपके पास तैयार है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेनली ड्यू टू, ध्यान रखिएगा, ओनली ड्यू टू नहीं, दैट इज मेनली ड्यू टू। वल्ली का मतलब है इसका कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं है। मोमेंटम उसमें भी होता है लिक्विड के अंदर, लेकिन कम होता है, लेकिन गैस में ज्यादा होता है। तो कोई एक फैक्टर कम होता है, एक दूसरा फैक्टर ज्यादा। तो मेनली जो है मुख्यतः किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से लिक्विड में, और गैस में मुख्यतः किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से। तो जो देखिए, ओनली और मेनली में अंतर है। ओनली का मतलब केवल है, ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोहेसिव फोर्स क्या गैस में नहीं होते? होते हैं।
नहीं तो फ्री मोशन हो जाएगा। तो लेकिन कब इतना वीक होता है कि उसको रोक नहीं पाते हैं, वो सब अपना आप रैंडम मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है इसलिए एकदम पकड़ कर रखता है, ठोस हो जाता है। गैस लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, लेकिन होता है। तो कोहेसिव फोर्स भी एक ऑप्शन में, लेकिन जब डोमिनेंट फैक्टर आप देखेंगे तो डोमिनेंट इसके द्वारा होता है, गैस के द्वारा। तो आप इस चार्ट को बनाएंगे, उसके बाद कुछ कमेंट नोट में आप लिखेंगे, दैट इज नोट वन एंड नोट टू, दो नोट आप लिखेंगे एंड नोट थ्री, तीसरा फ्लूइड को लेकर के लिखेंगे। फर्स्ट नोट आप डालेंगे इसके अंदर विस्कोसिटी पर, पहला इन केस ऑफ लिक्विड्स द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज स्मॉल। अब आप समझिए स्मॉल किसके कंपेरिजन में कर रहा है, गैस के कंपेरिजन में कर रहा है वो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज स्मॉल, हेंस कोहेसिव फोर्सेस आर लार्ज, हेंस कोहेसिव फोर्सेस आर लार्ज। कोहेसिव फोर्सेस आर लार्ज बट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। और रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो अवरोध होता है फ्लो का, आल्सो डिक्रीजेस, हेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो आल्सो डिक्रीजेज। दैट्स व्हाई, अब अंडरलाइन करेंगे आप इस स्टेटमेंट को, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड Decreases with increase in temperature. Note second. In case of gases, In case of gases, intermolecular distance are large. And hence, cohesive forces are negligible. Viscosity in gases is mainly due to molecular disturbance. Viscosity in gases is mainly due to molecular disturbance. Molecular disturbance. Underline करेंगे, region है ये, objective question में पूछा जाएगा region. Due to molecular disturbance, with rise in temperature, this disturbance increases. बढ़ जाता है. Hence, viscosity of gas, यही मेन स्टेटमेंट है, viscosity of gas
इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड लास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में जो ऑप्शन आते हैं वहां से ये क्वेश्चन देखिए लास्ट में नोट फ्लूइड को लेकर लिखेंगे अभी तक आपने लिक्विड को लेकर लिखा है गैस को लेकर अब फ्लूइड को लेकर के यहां थोड़ा फोकस करना है फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है गैस भी देखिएगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मे इंक्रीज मे डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड थर्ड में फ्लूइड जहां पर है उसको अंडरलाइन करेंगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मे इंक्रीज मे डिक्रीज will depend on whether fluid is liquid or gas may increase may decrease will depend on whether fluid is liquid or gas अगर liquid होगा तो क्या होगा decrease करेगा गैस होगा तो क्या होगा बढ़ेगा अगर आप ग्राफ को समझें ग्राफ को दिखाए अगर आपसे टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का ग्राफ दे दे आपसे दिस इज टेम्परेचर टेम्परेचर और ये विस्कोसिटी म्यू का ग्राफ आपसे आपको दे दे तो आप बताइए जरा कैसे ग्राफ बनेगा आपका लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगी कम होगी और गैस के लिए क्या होगा बढ़ेगा दिस इज फॉर लिक्विड एंड दिस इज फॉर ये किसके लिए है गैस के लिए दिस ग्राफ इज ओनली जस्ट शोइंग विस्कोसिटी गैस टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है बढ़ती जा रही है देखिए यहां से देखिए ये टेम्परेचर जब था ये वाला टेम्परेचर विस्कोसिटी ये थी जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाए आप देखिए यहां पर तो विस्कोसिटी भी क्या कर गई बढ़ गई और लिक्विड में क्या रहेगा देखिए इधर से यहां पर टेम्परेचर ये था इस टेम्परेचर पर विस्कोसिटी आपकी ये थी जब आप टेम्परेचर बढ़ाए आगे गए इस एक्सिस पर तो आप देखिए विस्कोसिटी क्या कर गई कम हो गई तो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी लिक्विड में कम हो गई तो ये आप ये जान लीजिए और जो एज इंजीनियर और आपको एज डाटा आपको जो याद रखना है वो एक ऑब्जेक्टिव और है विस्कोसिटी ऑफ वाटर देखिएगा विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि विस्कोसिटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ आप जान चुके हैं इज इक्वल टू 10^-3 kg पर मीटर सेकंड यूनिट पर अभी हम चर्चा करेंगे बाद में पहले हम लोग जान लें इसका डाटा क्या है विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10^-3 kg पर मीटर सेकंड फर्स्ट और एक सेकंड ये है विस्कोसिटी ऑफ वाटर 50 से 55 गुना होती है किसकी विस्कोसिटी के एयर की विस्कोसिटी की ये याद रखिएगा एयर की विस्कोसिटी को आप निकाल भी सकते हैं जब इसका 55 × 10^-3 होता तो कितना होगा लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है वाटर की विस्कोसिटी कितना 10^-3 kg पर मीटर सेकंड और विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 50 to 55 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ एयर तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू आपने हम लोगों ने कवर किया है उसमें से कौन कौन सा पार्ट है एक विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या रोल प्ले करता है टेम्परेचर विस्कोसिटी के साथ कि अगर फ्लूइड है तो आप क्या जवाब देंगे मे इंक्रीज मे डिक्रीज फ्लूइड है अगर क्योंकि फ्लूइड गैस भी हो सकता है लिक्विड लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया उसने लिक्विड तो आप डिक्रीज कराएंगे क्यों डिक्रीज कराएंगे रीजन से आपसे इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स कम होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ और अगर आपका गैस होगा तो क्या करेगा इंटर आपका मेनली क्यों होता है मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिस्टरबेंस क्या कर जाएगा बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी तो ये एक दो चीजों को तो आपको बेसिकली क्लियर रहेगा लेकिन जब फ्लूइड वर्ड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा
कि वो जो ऑब्जेक्टिव बना रहा है उसमें आप देखिए ऊपर लिक्विड लिखा है, गैस लिखा है या फ्लूइड लिखा है। अगर फ्लूइड लिखा है सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि वो उसी मानसिकता के साथ क्वेश्चन बना रहा है कि आप ये ना पकड़ पाए। आप जल्दीबाजी में फ्लूइड को लिक्विड मानेंगे और डिक्रीज कर देंगे और पहला ऑप्शन में वही आपको मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, किस पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड है या गैस है, फ्लूइड दोनों हो सकता है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए जो हम लोग लीनियर बिहेवियर चेक करेंगे, विस्कोसिटी का जो प्रोफाइल है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जो हेडिंग होगी जो हम लोग बाद में कवर करेंगे उसके लिए हेडिंग डाल लीजिएगा इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, जो आपका अभी डेरिवेशन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की है, लेकिन फिर भी इक्वेशन फॉर जो नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक होगा दैट इज इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। यहां से थोड़ा सा हम लोग विस्कोसिटी की यूनिट में आएंगे, न्यूमेरिकल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।